Assalamualaikum guys, once again we are coming to our vlog. Welcome back to my YouTube channel. और आज यार आप लोगों ने सुना तो होगा कि लोग मतलब बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आप लोगों ने ये चीज़ भी एक सुनी होगी कि लड़कियां भी जो है बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ती चली जा रही हैं हमारे माशरे में। और क्या कहते हैं, अब कोई पायलट बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, ठीक है, तो कोई डॉक्टर बन रही है। तो इसी तरह आज मैं जो आया हूँ वो बहुत ही एक मशहूर फ्राइज वाली एक बच्ची है, उसे मिलने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ और आप लोगों को उससे मिलवाऊँगा। तो कहने का मकसद ये कि इस बच्ची ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया अपने घर के सपोर्ट के लिए, अपने मुआशी हालात के लिए बेहतर बनाने के लिए। तो इसने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक कदम उठाया और मर्दों के खाना बछाना खड़े होकर के यहाँ एक बीच मार्केट में खड़े होकर के लोगों को से वो प्राइस सेल करती है, ठीक है। तो आज उसी के इंटरव्यू के लिए आप घूमते फिरते की टीम यहाँ पर इकबाल मार्केट 11:30 इकबाल मार्केट औरंगी टाउन की बहुत मशहूर सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पर पहुँची है। तो इसका भी मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ। तो आपने हमारे चैनल अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो उसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और इसका बेल आइकन भी आपने जरूर प्रेस करना। और वीडियो पूरी एंड तक देखिए, आपको मैं पूरी दिखाऊंगा, उसका पूरा इंटरव्यू दूंगा कि मतलब वो किस तरह से किस हिम्मत के साथ बिना शर्माए जो है वो बीच पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर के काम कर रही है और अपना वर्क जो है वो मतलब अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो गाइज, मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को कि इसमें कराची इकबाल मार्केट में औरंगी टाउन के अंदर जो सबसे बड़ी मार्केट है इकबाल मार्केट, उसके अंदर ही बच्ची जो है प्राइस सेल कर रही है, ठीक है। तो जिस तरह मैंने बताया था, अभी मैं इसके बिल्कुल पास खड़ा हुआ हूँ और इसके आपको इंटरव्यू करवाता था, ये जिसका आप लोगों को पता चले कि यार इसको किस वजह से इसने ये कदम उठाया और किसने इसको सपोर्ट किया, किसने इसको हौसला दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अतूफा। अधूरा नाम है बेटा। ये आपने कब से इसको स्टार्ट किया और क्या कहते हैं, किसने इसके ऊपर आपको गाइड किया और किसने आपको बैक पे सपोर्ट किया और क्यों आपने स्टार्ट किया इस चीज़ को? मैंने ये स्टार्ट, मेरी एज जो है 18 ईयर्स है और मतलब के जो 18 साल की हूँ मैं, और मेरा कोई भाई नहीं था, तो मेरी बहन की शादी भी थी और जॉब लेस थी मैं, 2-3 महीने से जॉब लेस थी मैं, घर पर बैठी हुई थी, मतलब कि स्टैंड गारमेंट सीवीटी एलटीडी में मैं काम करती थी। तो वहाँ मैं साल से कम, बाबा और मैं साथ ही काम करती, तो मतलब कि कंपनी बंद हुई तो बाबा भी छोड़ दिया, बाबा ने भी काम छोड़ दिया, मेरी भी जॉब छूट गई, तो फिर घर पर बैठी हुई। तो फिर लॉकडाउन के किराए भी चढ़े थे हमारे घर पर, मतलब कि लॉकडाउन का माली मकान से पूछ सकते हैं आप लोग, 40,000 रुपये किराया चढ़ा हुआ था। और फिर उनको बाबा को ये होता था कि कोई जो आ रहा है भाई तुम किराया दो, दलालत रोज की सुन सुन के मैं परेशान हो गई थी। फिर मेरी कमेटी निकल रही थी, 20,000 की कमेटी थी, तो मैंने अपनी कमेटी से सोचा, मैंने घर पर मैंने बोला क्यों ना मैं ये काम कर लूँ, क्यों ना मैं अपने बाप का सहारा बन जाऊं, क्योंकि बाबा मुझे कभी भी बेटी नहीं बोलते, बेटा बोलते। तो इसी वजह से मैं, वेरी गुड, यानी मतलब एक आपने बहुत अच्छा अपने खानदान को या अपने घर को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया, स्टेप लिया एक, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग आपकी इस वीडियो को देखेंगे वो आपको इंशाल्लाह अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट भी करेंगे। ये तो मुझे यार ये बताएं कि आपको कुछ ऐसा डर नहीं लगा कि आप यहाँ पर खड़े होकर के ये इस तरह से आप सेल कर रहे हैं और फिर यहाँ पे जिस तरह के आजकल के हालात चल रहे हैं, और मतलब? नहीं, मुझे डर नहीं लगा, मैं हमेशा अपने आप को लड़का समझती हूँ, कभी अपने आप को लड़की समझी नहीं हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, हमेशा अपने आप को लड़का समझती कि नहीं मैं एक लड़का हूँ, और बाबा मुझे लड़का ही बोलते हैं, और लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद सही हूँ ना, मुझ पर डिपेंड करता है मैं किस टाइप की, तो लोगों को बस काम है बोलना, कि वो बोल सकते हैं कुछ कर नहीं सकते हैं, उनका काम है सिर्फ बोलना, हाँ ये फलाना ढिमकाना, बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाबा मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, इससे बड़ी बात क्या है। बिल्कुल, तो इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, जैसे इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि कोई इनको कुछ भी बोले, ठीक है, बहुत अच्छी बात की कि अगर ये इनके साथ मतलब इनके ऊपर डिपेंड करते हैं ये किस तरह का बिहेवियर रहता है इधर इस पे खड़े होकर के ठेले पर, ठीक है। तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बात इन्होंने कही कि किसी का कोई कुछ भी इनका कोई नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है, जब तक ये फेयर है। और ये बहुत प्राउड वाली बात है कि यहाँ पर खड़े होकर के मार्केट में और बीच में मतलब एक हुजूम है, आप मेरे आसपास भी अगर कैमरामैन मेरे को एंड में दिखाएगा चीज़ को कि बहुत बड़ा हुजूम है मार्केट के अंदर इस वक्त, लेकिन यहाँ पर ये बच्ची जो है अपनी मेहनत कर रही है, अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही है और अपने घर वालों के यहाँ घर से बाहर निकल कर इस टाइम यहाँ पर यह फ्राइज वगैरह सेल कर रही है। तो मतलब बहुत आप लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि यार जो आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको भी आप लोगों ने क्या कहते हैं सपोर्ट करना है, हमारी वीडियो के थ्रू सपोर्ट करना है, ठीक है। आपको अगर कहीं से स्पॉन्सरशिप वगैरह या कहीं भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ आपको इस तरह से पता चलती है तो आपने इस बच्ची को सपोर्ट करना है। और ये मैं ये रिक्वेस्ट कुछ करना चाह रही हूँ हमारे चैनल के थ्रू, तो ये
देखिए भाई, मेरी अगर मेरा कारोबार बंद गया और अगर मैं अगर हो गई तो मैं अपने शॉप में लड़कों को नहीं रखूंगी, लड़कियों को रखूंगी जो लड़कियां मतलब कि मजबूर है, उनके घर का चूल्हा जल सके मेरे वजह से। मैं सारी लड़कियों को ये कि डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना आपको, और मैं अगर मैं कामयाब हुई तो मैं हर लड़की को अपने साथ रखूंगी जो मजबूर है। तो अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि आपने दोबारा इसको कंटिन्यू करना है या फिर रमजान में आपने इसको रखा हुआ है? नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगी, और अल्लाह अगर अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया तो फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू ही है ये, तो इंशाल्लाह जरूर। और मैं भी आई होप ये क्या कहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि इनका जो इस काम है इसमें बरकत हो, इसमें और क्या कहते हैं इनको और तरक्की हासिल हो चीज़ में। तो इंशाल्लाह मेरा प्रॉमिस है इनसे कि एक दिन जो है इनका अपना रेस्टोरेंट होगा, अपना कोई शॉप होगी इनकी, और मैं अगेन व्लॉग कर रहा हूँ इनके उसी रेस्टोरेंट के ऊपर, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा अगेन व्लॉग आ रहा होगा इनके रेस्टोरेंट के ऊपर होगा जो, ठीक है। और आप लोगों ने भी इनको बहुत सपोर्ट करना है, हमारी वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, उसको शेयर भी करें, उसका बेल आइकन भी आपने जरूर प्रेस करना है ताकि आपको जो हमारी नया आने वाली वीडियो वो लाजमी मिल सके। अच्छा, मैं इससे एक बात और आपको ऐड करते चलूंगी, हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं ये इनको मेरा ख्याल से आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने इसको किस तरह से देखा, मतलब आपके क्या दिमाग में आया, क्यों आप इसको सपोर्ट? मेरा तो विजिट हुआ था 11:30, वाइफ के साथ शॉपिंग किया, तो मैंने देखा कि बहुत मेहनत कर रही, बहुत ज्यादा कॉपरेट वाली बची है, रो राइट देखा, तो मैंने थोड़ा सा सवाल जवाब किया, फिर उन्होंने अपनी फीडबैक दिया, फिर मैं और अरसान भाई हम उनसे घर गए, मालूमात किया। तो ये देखिए गाइस, ये मैं आप लोगों एक बात बताते चलूं कि यहाँ पर जो ये दो बंदे पीछे मेरे साथ खड़े हैं मौजूद हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसको, और इन्हीं के बदौलत आज जो ये बच्ची यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है। तो अभी मैं इंशाल्लाह इनसे प्राइस भी लूँगा और इसको इसका टेस्ट भी करूँगा, तो अब मैं आपको फिर आगे इसके टेस्ट के हवाले से भी गाइड करूँगा इंशाल्लाह, फिर देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम यहाँ पर आए थे अखबार मार्केट में, और कराची अखबार मार्केट के अंदर मौजूद थे, ठीक है। और ये बच्ची ने जिस बच्ची जो बर्गर उसका प्राइस लगाया हुआ था उस बच्ची ने, और क्या कहते हैं यहाँ पर मार्केट में खड़े हुए शेयर करिए, उसके लिए हमने प्राइस भी लिया, और आपने इसके प्राइस के शॉर्ट्स भी आपने वीडियोज़ में देखे होंगे, तो मतलब प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मज़े की थी। और क्या कहते हैं, अभी इंशाल्लाह हम लेंगे आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, उसको शेयर भी करें, और इसका बेल आइकन भी आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो लाजमी मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।